उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय रह चुका है और ऐसे में देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा प्रदेश सरकार के लिए गले की फांस बना हुआ है। तीर्थ पुरोहितों के भारी विरोध के बाद राज्य सरकार ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर एक हाई पावर कमेटी गठित की थी, जिसने सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट भी सौंपी दी। ऐसे में उम्मीद है कि धामी सरकार जल्द ही देवस्थानम बोर्ड पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। उच्च स्तरीय समिति ने ऋषिकेश में सीएम धामी और इसी के साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को, आपको बता दें कि निवासी पेजों की रिपोर्ट बनाकर सौंपी थी। अब प्रदेश सरकार रिपोर्ट का अध्ययन कर बोर्ड को लेकर कुछ फैसला लेगी। 28 नवंबर 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गढ़वाल मंडल के 51 मंदिरों को श्राइन बोर्ड की तर्ज पर देवस्थानम बोर्ड के अधीन कर दिया था और इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भी पास कर दिया गया था। जिन मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड के अधीन किया गया था उनके पुजारियों और हकूकधारियों का आरोप था कि उनके मंदिरों को बोर्ड के अधीन करने से उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। पुजारी और इसी के साथ ही हकूकधारी लगातार देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड पर सरकार अब बड़ा फैसला ले सकती है। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। हाई पावर कमेटी ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी है। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सांसद मनोहर कांत ध्यानी ने ये रिपोर्ट सौंपी है। इसी के साथ ही रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री अब कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तीर्थ पुरोहितों को अब राज्य सरकार के फैसले का इंतजार है। तीर्थ पुरोहित लगातार देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकार ने फैसले के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सांसद मनोहर कांत ध्यानी की तरफ से ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही अब ये कहा जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला सीएम की तरफ से लिया जा सकता है। अजय हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय जानकारी चाहेंगे क्योंकि देखिए 2019 से ही लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है तीर्थ पुरोहितों की तरफ से। अब क्योंकि देखिए 2022 चुनाव करीब है और ऐसे में सरकार के लिए भी चुनौती रहने वाली है कि इस मामले को किस तरह से सही किया जाए, इस पर तीर्थ पुरोहितों को कैसे राजी किया जाए या फिर जो मांग वो कर रहे हैं इसको भंग करने की उस पर कोई बड़ा फैसला लिया जाए। बिल्कुल देखिए, तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन लगातार जारी है। पहले तीर्थ पुरोहित चारों धामों में आंदोलन कर रहे थे, अब उन्होंने अपने आंदोलन का दायरा बढ़ा दिया है। राजधानी देहरादून में भी अब उन्होंने आंदोलन किया है। सबसे पहले वो मंत्रियों के आवास पर गए थे, उन्होंने मंत्रियों के आवास का घेराव किया, उसके बाद उन्होंने रैली निकाली, सचिवालय कूच किया और सरकार पर वो लगातार इस बात को लेकर दबाव बना रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द देवस्थानम बोर्ड को भंग करें, इस एक्ट को वापस लें। और हालांकि सरकार की ओर से भी बार बार ये संकेत दिया जा रहा है पिछले दिनों से कि सरकार जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला जरूर करेगी जिससे तीर्थ पुरोहित इस बात को लेकर के खुश हो सकते हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये कहा है कि 30 नवंबर तक का अंतिम समय उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से मांगा है और सरकार की ओर से भी बार बार यही कहा गया है कि 30 नवंबर तक का जो डेट है वो तीर्थ पुरोहित दें और उसके बाद सरकार जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला करेगी। लेकिन तीर्थ पुरोहितों का जो आंदोलन है अब वो दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तीर्थ पुरोहित अब आने वाले समय में हरिद्वार में आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, ऋषिकेश में आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं और हाई पावर जो कमेटी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनाई थी पूर्व सांसद मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने भी अब अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। हालांकि एक रिपोर्ट पहले भी उन्होंने सौंपी थी और अब अंतिम रिपोर्ट कल उन्होंने मुख्यमंत्री को ऋषिकेश में सौंपी और अब इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा और इस रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद सरकार कोई ना कोई बड़ा फैसला जरूर लेगी। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से संकेत मिले हैं, जिस तरह की बात की जा रही है, जिस तरह की कवायद सामने आई है, कुल मिलाकर के इससे साफ है कि सरकार अब इस एक्ट को वापस लेगी और इसकी कार्यवाही आने वाले दिनों में उसकी कार्यवाही शुरू की जाएगी। इसकी प्रक्रिया जो है अब शुरू होने वाली है, जिस तरह के संकेत मिले हैं इससे यही लगता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि वो कमेटी की जो रिपोर्ट है उसका अध्ययन करेंगे, इस अध्ययन करने के बाद ही आने वाले समय में पूरी कार्यवाही की जाएगी क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, बातचीत और तमाम अन्य चीजों को लेकर के भी सभी लोग अपना घड़ित लगा रहे हैं और कुल मिलाकर के पूरी ये कोशिश की जा रही है कि तीर्थ पुरोहितों की जो नाराजगी है उस नाराजगी को कैसे दूर किया जाए, उनको कैसे मनाया जाए और
सकारात्मक एक संदेश जाना चाहिए, पूरे देश में एक ऐसा संदेश जाए कि तीर्थ पुरोहितों को लेकर के सरकार उनके साथ समन्वय बना करके चलती है और कहीं कोई गतिरोध वाली स्थिति है वो गतिरोध जैसी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। तीर्थ पुरोहित लंबे समय से इस बात को लेकर के नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और उन्होंने अब सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है और तीर्थ पुरोहित इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार जब तक इस फैसले को वापस न ले, जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं कर लेती है, तब तक वो अपने आंदोलन को तेज रखेंगे, आंदोलन को जारी रखेंगे। इस तरह से उन्होंने लगातार बयान दिए हैं। अब उन्होंने जो साधु संत हैं उन सबको भी अपने साथ लेना शुरू कर दिया है। कल रविंद्रपुरी महाराज जी से हरिद्वार में तीर्थ पुरोहितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और वहां से भी संतों ने भी ये कहा है कि उनका भी पूरा समर्थन तीर्थ पुरोहितों के साथ है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि प्रदेश सरकार के ऊपर कितना दबाव बना हुआ है और सरकार की ओर से बार बार यही संकेत दिए जा रहे हैं, यही बात की जा रही है कि जल्द से जल्द सरकार इस फैसले को, इस एक्ट को वापस लेगी, क्योंकि तीर्थ पुरोहित इस बात से मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो बात सरकार लगातार समझा रही है कि तीर्थ पुरोहितों के हक हकूक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस एक्ट को जारी रखा जाए, इस चावल धाम देवस्थानम बोर्ड को भंग न किया जाए, लेकिन तीर्थ पुरोहित बार बार इस बात को लेकर के अड़े हुए हैं। उनका कहना है उनके हक हकूक पर प्रभाव पड़ रहा है, उनके आर्थिकी पर भी प्रभाव पड़ेगा, वो जो काम करते हैं उस काम पर प्रभाव पड़ेगा और ऐसे में इस एक्ट को, इस राजी कर पाए, लेकिन अब देखिए ये देखना होगा कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है सीएम को उसके बाद वो क्या बड़ा फैसला लेते हैं। फिलहाल अजय आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।